अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी न्यू स्टाइल रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ। इजी ब्रेकफास्ट लंच रेसिपी, आप इसको लंच डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आज मैं आपको बनाने से कहूँगी मैक्रोनी ऑमलेट। जी हाँ, मैक्रोनी ऑमलेट ये आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। जिन लोगों ने बनाया है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर सबसे पहले आपने इसके लिए क्या लेना है, तकरीबन 2 अदद अंडे लेने हैं, आधा चम्मच नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए। और इन सबको अच्छी तरीके से अंडों में मिक्स कर लीजिए। अगर आप अंडे ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त आएगा। आप अंडे ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे डाले हैं और ये तकरीबन 1 कप मैक्रोनी है, इसको हमने बॉईल कर लिया है और जो पानी है वो छान लिया है। जिस तरह आप नॉर्मल मैक्रोनी को बॉईल करते हैं उस तरीके से आपने इसको भी बॉईल कर लेना है और इसको फुल अच्छी तरीके से अंडों में मिक्स कर लेना है कि मैक्रोनी को अच्छी तरीके से अंडे लग जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर आप घी हो, ऑयल हो, बटर हो, जो भी हो आप तवे के ऊपर डाल दीजिए, यानी जिस पैन में या तवे पर आप इसको पका रहे। लेकिन हम यहाँ पर इसको पैन में पका रहे। ये एक टाइप से पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सा भी दिखता है और इसका टेस्ट पूछे मत, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इसको एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा और आप इसको फिर बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए नीचे और इसको इस तरीके से, यानी ये सारा डाल दीजिए मैक्रोनी और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से सेट कर लीजिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको एक साइड से पका लीजिए। फिर हल्का हल्का इस तरीके से हटा दीजिए, इसके ऊपर प्लेट रख दीजिए इस तरीके से और इसको पलटा कर निकाल दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा और ऑयल डाल दीजिए, 1 से 2 चम्मच, और इसको, यानी दूसरा साइड भी इसका अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए। देखिए ये वाला साइड कितना ज़बरदस्त फ्राई हो चुका है। इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे, बर बर की चीज़ आप डाल दीजिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा अगर आप बर्बर की चीज़ डालेंगे। और यहाँ पर चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पर दूसरी साइड से भी इस तरीके से पका लीजिए कि अंडे अच्छी तरीके से पक जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लीजिए बिल्कुल हल्के आंच पर। और यहाँ पर हम इसको काट कर निकाल देंगे। बहुत ही इजी टेस्टी रेसिपी है, अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो जल्दी से पकाए और इसको ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बड़ों बच्चों खुद खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेहमानों के सामने सर्व करें, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। और इसको ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।